औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मेरा नाम अब्दुल वासी और आज हमारा टॉपिक जो है वो है एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान। जो आप बिल्कुल जानते हैं किस तरह की हमारी एजुकेशन है पाकिस्तान के अंदर, तो इस हवाले से हम अदील भाई से डिस्कस करेंगे कि क्या हुकूमत को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या एक्शन लेना चाहिए एजुकेशन के लिए और उनको क्या क्या अमल पैरा लाना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। अदील भाई, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं तालीमी निज़ाम की क्या हाल हुआ है, खस्ता हाल हुआ है और वो बिल्कुल ज़मीन में धस चुका है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें भाई, मैं आपको कायदे आज़म का एक कोटेशन याद दिलाना चाहता हूँ जो कि 1947 में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कही थी कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ एंड डेथ मैटर फॉर एनी नेशन। किसी भी कौम के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसके पीस के लिए तालीम का सबसे बड़ा किरदार है। आपको नेल्सन मंडेला भी याद होंगे जिन्होंने 27 साल जेल काटी थी, जो साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े लीडरों में उनका नाम आता है। उन्होंने भी कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो इतने बड़े बड़े लीडर तालीम के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तालीम का किसी भी कौम के लिए सबसे बड़ा सरमाया होता है। आजकल अगर हम पाकिस्तान के हिसाब में कहा कि पाकिस्तान में बड़ी खस्ता हालत है तालीम की, बाकी बिल्कुल इससे जो है डिनाई नहीं किया जा सकता और ये कड़वा सच है जो हमें कबूल करना पड़ेगा, लेकिन इसको हमें देखना भी पड़ेगा। अभी आप देखें, ये इतना बड़ा स्टिग्मा है पाकिस्तान का कि 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूलों से बाहर है। वो कौन लोग हैं? जो बेचारे कोई पंचर की दुकान पे काम करता है, कोई फैक्ट्री में रहता है, कोई चाय के ढाबे पे काम करता है, ये क्या है? ये हमारी स्टेट की जिम्मेदारी है जो कि आर्टिकल 25A क्या कहता है कि स्टेट जिम्मेदार है किसी भी कौम के लिए या पाकिस्तानी बच्चों के लिए 5 साल से 16 साल के बच्चों का, बच्चे बच्चों के लिए ये उनकी जिम्मेदारी है, ना कि तालीम दिलवाना बल्कि अच्छी तालीम दिलवाना, क्वालिटी एजुकेशन दिलवाना। तो एक ये है। दूसरी बात देखें, प्लेजरिज्म बड़ा आम है, चीटिंग का कल्चर। सिंध में तो ऐसा है कि आप जहाँ भी चले जाएं, हैदराबाद सबसे बड़ा इसका हब बना हुआ है। हम देखते हैं डिग्री कॉलेज को, सार कॉलेज और दीगर भी बहुत सारे हैं, कराची में भी होंगे, सक्कर में भी होंगे, नवाबशाह में भी होंगे, लाड़खाना में भी होंगे। तो ऐसे कौम में कौन तरक्की करती है? आपने देखी नहीं ऐसे कौम तरक्की करती है जहाँ पर चीटिंग का निज़ाम हो। दूसरी बात यह कि यूनेस्को की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में जो तालीमी इदारे हैं उनकी तादाद 1,63,000 के करीब है, जिसमें से 40,000 गर्ल्स के लिए हैं। और पाकिस्तान की जो कंसेंसस हुई है अभी मर्दम शुमारी 2017 में, उसमें हमारी जो गर्ल्स हैं उसमें तकरीबन 50% है, यानी कि आधे बॉयज हैं और आधे गर्ल्स, यानी कि इतना तादाद है पूरे यानी कि मर्दम शुमारी की उनके तालीमी इदारे में। दूसरी बात यह है कि इतने सारे तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ पर टॉयलेट या वॉशरूम का निज़ाम ही नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है, इसके अलावा घोष मुलाजमी है जो तनख्वाह लेते हैं, ठीक है, और आते हैं भी नहीं है, और आते हैं तो उनको खुद को कुछ नहीं आता, पहले तो उनको पेडागोजी सिखानी चाहिए, यानी कि स्किल ऑफ टीचिंग। उनको पता ही नहीं है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, जो कि असल में कैरियर काउंसलिंग में आता, उनको ये पता ही नहीं है। तो बहुत बड़ी बात हो गई, उनको अपने सब्जेक्ट से नहीं पता होगा, इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं, इतनी सारी वीडियो आती रहती है। ऐसे कौमी तरक्की नहीं करती भाई, मैंने तो ऐसे कहीं नहीं देखा कि कोई कौम ऐसे तरक्की करती होगी जिसका तालीमी निज़ाम ऐसा। दूसरी बात यह है कि जो जितने भी हमारे तालीमी निज़ाम है उसमें 3 कल्चर हैं, प्राइवेट, पब्लिक और मदरसा सिस्टम। मदरसा सिस्टम वो जो हमारे बच्चे जो मदरसे में जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, कुरान हाफिज बनते हैं, आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, ठीक है, लेकिन दुनियावी तालीम भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टेट को सोचना चाहिए इसके लिए कि वो अपने इन मदरसा बच्चों के लिए ऐसा क्यूरिकुलम बनाए, जो कि अभी बड़ी डिबेट चल रही है नेशनल असम्बली में भी, सेनेट में भी, पार्लियामेंट में भी, इस पर काफ़ी जेरे हो रहे हैं। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान का, इसमें मैं अप्रिशिएट करूँगा हमारे पाकिस्तानी यानी कि जो लीडरान हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, बिल्कुल अच्छी बात। लेकिन एक और जगह भी देखने की ज़रूरत है जो कि हमारा पब्लिक निज़ाम है, यानी कि पब्लिक निज़ाम में जैसे मैंने बात कही कि यानी कि टॉयलेट का सिस्टम ही नहीं है इतने सारे स्कूल हैं, और हायर एजुकेशन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का जो 58% लिटरेसी रेट, 58% में वो लोग आते हैं जो नादरा के NIC में सिग्नेचर करते हैं मुंबई के लिए, वो लोग हैं। बाकी अगर हम इसको और ब्रॉडली देखें तो वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है,
तीन से चार फीसद लोग यूनिवर्सिटी तक जा सकते हैं, बाकी वो फर्स्ट ईयर इंटर और ये करके ही फारिग हो जाते हैं तालीम से, यानी कि आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसके अलावा और भी यानी कि है, फिर प्राइवेट निजाम को दे लो, इन्होंने तो बिजनेस ही बना रखा, अभी कोविड में बंद पड़ा है, सब कुछ बंद पड़ा है, स्कूल भी बिल्कुल फीसें पूरी ही ले रहे हैं बच्चों से। मेरे इतने सारे स्टूडेंट है, अब मैं भी यानी कि स्कूल में पढ़ाता हूँ, हमें टीचर है कोई यानी कि टीचर्स को कोई सहूलत नहीं है, हम पूछते हैं कि सैलरी वैलरी, बोले आप पढ़ाने का, और बच्चों से मैंने मालूम किया तो बच्चे बोल रहे हैं सर हमसे तो पूरी फीसें ले रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि 20% जो है ना आप कोविड की वजह से कम फीस देंगे, यानी कि माँ बाप को एडवांटेज है, लेकिन कहीं ऐसा फॉलो नहीं हो रहा। ये स्टेट की जिम्मेदारी इम्प्लीमेंटेशन कराना, ये आपने कानून तो बना दिया और ये एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि भाई 20% जो है कम फीस ली जाएगी, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा। और दूसरी बात है कैरियर काउंसलिंग, ये सबसे बड़ा इशू है मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, क्योंकि अगर आप पूछे हम क्लास में किसी बच्चे से क्या बनना चाहते हैं, वो सिर्फ दो ही बताएगा, डॉक्टर इंजीनियर, बस इसके आगे कोई बनना ही नहीं चाहता कोई, यानी कि उन बच्चे को उसको पता ही नहीं है कि मैं एक राइटर बन सकता हूँ, एक सिंगर बन सकता हूँ, एक अच्छा पोइट बन सकता हूँ, या वॉट एवर और बहुत सारे भी हैं, एक अच्छा पायलट बन सकता हूँ, वकील बन सकता हूँ, एक पॉलिटिशियन बन सकता हूँ, जो कि सबसे बड़ा लेके पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, सबको यही पता है, क्योंकि ट्रेंड सेट हुआ हुआ, हर कोई बोल रहा है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये उन इदारों की जिम्मेदारी है, ये जो प्राइवेट निजाम के जो इतनी भारी भारी फीसें लेते हैं, जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अफोर्ड कर रहा है वो ही जानता है वो किस तरह से अपने बच्चों की फीसें भर रहा है, तो वो सिर्फ अच्छा वो फिर मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद उनको पता भी नहीं होता कि वो जो डॉक्टर का उन्होंने बोला था कि मेरी ख्वाहिश है या मैं डिज़ायर रखता हूँ कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना, उससे कोई पूछे उसको पता ही नहीं होता। फिर यूनिवर्सिटी के निज़ाम तक आ जाएं, उसमें आप देख लें इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान में, और एक और मेरे बात मजे की जहन में आई कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी दुनिया की 500 जो टॉप यूनिवर्सिटियाँ उसमें शामिल ही नहीं है, ये कितना बड़ा लैक है हमारे लिए, कितनी बड़ी डेफिशिएंसी है, और ये हमारे लिए समझ लो आईना है हमारे लिए, हमारी जो यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है या स्टेक होल्डर है या जो ये तालीम को जो देखते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है या दीगर भी जो लोग हैं इसको देखते हैं, 500 यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की पाकिस्तानी कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, तो आप इससे यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत है पाकिस्तान के निज़ाम की। तो दुनिया वही कामयाब है, वही कौमें कामयाब है जिन्होंने तालीम को तरजीह दी। अभी टिकटॉक है, पबजी है और दीगर मामला हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, 10-10 घंटे इसको यूज करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या काम चल रहा है क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए, पाबंदी आप लगा देते हैं फिर उठा देते हैं आप, यानी कि आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं कौम को, या सुधारने की तरह ले जा रहे हैं बिगाड़ने की तरह, आपके पास प्रेशर उठता है तो आप फिर पबजी से पाबंदी उठा देते हैं, फिर टिकटॉक चला देते हैं। तो ऐसे मैं समझता हूँ दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता, और तालीम ही आपकी इकोनॉमी को, आपके थिंक टैंक को, आपकी पॉलिटिक्स को, हर चीज का दारोमदार तालीम पर है। जैसे कि आपने कहा कि हमारा निज़ाम ये है तालीम का, तो आपकी नज़र में ये क्या है कि स्टूडेंट्स को आज के जो मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल्स सीखने चाहिए? बिल्कुल, स्किल तो एक ज़रूरी है इसके लिए, चलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है नेटफ्लिक के थ्रू और दीगर और प्लेटफॉर्म के थ्रू स्किल्स सिखाए जाते हैं, मल्टीपल फील्ड्स हैं उसकी स्किल्स सिखाने की, जो कि ज़बरदस्त है, क्योंकि स्किल से ये है कि आपके तालीम के साथ साथ अगर आप कोई हुनर भी सीखेंगे तो ये बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा करते थे कि आपको हुनर सीखना चाहिए और तालीम के साथ साथ ऐसा भी काम करना चाहिए जो आपकी अर्निंग का जरिया बने, तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो तालीम तो जारी रखें अपनी, लेकिन वो इस तरह से भी काम करें जिससे उनकी अर्निंग हो या उनका एक कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ में उनकी महारत हो ताकि वो अपना अर्निंग का जरिया बना सकें। तो आपका ये आपने ये भी बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है बिल्कुल अच्छा लिया है इसके तालीम में, ये क्योंकि जाहिर है PIEC की बुनियाद रखी गई है, और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के भी कोर्स करा रही है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू और ऑनलाइन। मगर आपकी इस बारे में क्या राय है कि जैसे नेपटेक के कोर्सेज होते हैं उधर मैंने भी देखा है कि वहाँ पर स्टूडेंट आते नहीं हैं वगैरह, तो टीचर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप आओ अटेंडेंस लगाओ चले जाओ और ताकि आपको पैसे मिल जाए, तो बाद स्टूडेंट जो मैंने ये देखे हैं कि वो पैसों के लिए आ रहे होते हैं, क्या आपके बारे में इसकी क्या राय है? बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ये आपका बिल्कुल पॉइंट वैलिड है और सही है बिल्कुल, ये रीज़न है कि काफ़ी सारे जो उस्ताद हैं हमारे वो या तो खुद भी नहीं आते, फिर वो जो खुद नहीं आते हैं तो फिर वो बच्चे भी यानी कि अगर वो कोई आ रहा है तो वो उस्ताद यानी कि नहीं आया उनका टीचर, तो वो कल क्या करेंगे, वो स्टूडेंट भी नहीं आएगा,
तो ये बहुत ही बड़ा आदमी है हमारे मुल्क का जो है ना, जिसका जहाँ दाव पेट लग रहा है वो ये कर रहा है। एक है मेरे दोस्त ने एक बात कही थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा था अजीत भाई के नेक इंसान हो जिसको मौका ना मिला, तो वो हकीकत बात है। वो उस्ताद हैं हमारे चाहे शागिर्द हैं जिनको जहाँ पर मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं। अच्छा इसमें नुकसान किसका, इसमें नुकसान अगर उस्ताद नहीं आ रहे तो वो जो उनकी जो कमाई है जो भी उनकी सैलरी है वो हराम है। जाहिर सी बात है जब आप काम करके नहीं ले रहे तो हराम। और जो स्टूडेंट है अगर वो भी नहीं जा रहे तो वो भी डिग्री नहीं है उनके लिए, वो एक कागज है बस जो उन्होंने पैसे दे के हासिल किए या पैसे लेकर हासिल किए। और ये अलमिया है हमारे जो निज़ाम का, जो जितने भी स्किल्स को वहाँ पर बच्चे आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो कि इसको एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इसमें। अभी ये जो बायोमेट्रिक का सिस्टम हुआ था लेकिन फिर भी इसमें भी हम जो है ना असल में हमारी कौम जो है वो दो नंबर ही इशूज को ज़्यादा चीज़ करती है, तो उसमें भी उन्होंने ऐसी दो नंबर ही निकाल ली कि बायोमेट्रिक तो कर रहे हैं तो उसको फिर वो अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि वो कौन किस टाइम आ रहा है, यानी कि वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इसको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, इसको और ब्रॉड करना चाहिए, वो टेक्निकली टर्म से देखना चाहिए कि भाई किस तरह हम इसको रोक सकते हैं। जो ये घोष मुलाजिमीन है या घोष स्टूडेंट है उनको इसको रोकने के लिए हमें एक नया जो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने एजुकेशन पाकिस्तान का आपने हल भी बता दिया इसका, और आपने स्टूडेंट्स के लिए भी बताया कि स्किल्स भी उनको हासिल करने चाहिए। मगर मेरा ये सवाल है कि आपका क्या इन फ्यूचर स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। देखें हम जो जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि हमारे चैनल का भी मकसद यही है कि जो हम बातें बताएंगे इससे आपने जो है ना फिरना नहीं है, क्योंकि डोंट फॉरगेट हम भी याद रखेंगे, आपने भी याद रखना, और बिल्कुल मोटिवेट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जहाँ तक हमारा जो रोल प्ले करने का है इस चैनल के जरिए या और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए यूट्यूब के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पर, तो हम ज़रूर करेंगे। और ये एक जहाँ तक हमारी एक्सिस है हम अपनी कौम के लिए अपने लोगों के लिए और ख़ास कर इंसानियत के लिए जो करना पड़ेगा हम बिल्कुल करेंगे इसमें। ठीक है, और इसके अलावा आप ये क्या कहते हैं जो घर बैठ के मुलाज़मीन तनख्वाहें ले रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि मैंने खुद ने इंटरव्यू में देखा है कि एक मैथमेटिक्स के टीचर थे जिनके इंटीग्रेट इनके उनसे पूछा कि एस एस सी कितना होता है उनके बाद से, उनके बारे में आपकी क्या राय? बिल्कुल हाँ, जैसे एक मफरूज आए एक और एक 11 और एक और एक 2, तो ऐसा ही है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, इसको देखने की ज़रूरत है। वही मैंने जैसे बात कही कि पेडागोजी की कमी है, स्किल्स की कमी है, और मेरिटोक्रेसी भी है, यानी कि जो हमारा रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है यानी कि जो निज़ाम है हमारा जो सिलेक्शन का वो बड़ा खस्ता हाल में, क्योंकि अगर हम देखें सिंध में जिसका दाव पेज लग रहा है जो भी पॉलिटिकल हैं या दूसरे रिसोर्सेज हैं जिनकी यानी कि फोर्स है कुछ, तो वो नौकरी हासिल कर लेते हैं, फिर उस तरह से ही वो अपनी यानी कि जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं जिस तरीके से जितना उनको आता है वो सिखाते हैं। इसको भी देखने का है कि सबसे बड़ा जो तालीम का सिस्टम है उसमें आपने एक तो इतने एजेड और उनको टेक्निकल चीज़ें पता ही नहीं है वो आपने उनको हायर किया हुआ, और दूसरी बात है कि उनकी एज भी इतनी हो गई उनको यानी कि पता नहीं है वो साइकोलॉजिकल टर्म और इस तरह से वो बता नहीं सकते बच्चों को, तो ये एक बहुत बड़ी लैग है। मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी 60% नौजवानों पर मुस्तैद है, तो नौजवान हम हायर करें और देखें जो पर्टिकुलर डिग्री है उसके हिसाब से उसको हायर करें, और इंशाल्लाह पूरी निज़ाम सही होगा। लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी देखना पड़ेगी और ऊपर से स्टार्ट लेना पड़ेगा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करना पड़ेगी हम सबकी, मेरी खुद की भी, यानी कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ यानी कि मेरे को पहले खुद को बेहतर होना पड़ेगा ताकि मैं दूसरों को इसलाह कर सकूँ, तो ये ज़रूरी है हमें ये इनिशिएटिव लेने के लिए। ठीक है।